माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऑर्गेन्जा सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग। सो इस सूट को मैंने बनाया है ऑर्गेन्जा फैब्रिक और एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक के साथ। सूट के लुक को इन्हेंस करने के लिए मैंने इसमें ऐड की है कॉटन लेस, नेकलाइन एंड स्लीव पे पेंट भी किया है मैंने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक एक पार्ट करके सूट की कटिंग करूँगी। तो दोनों फैब्रिक मैंने यहाँ पे ले ली है और ऑर्गेन्जा फैब्रिक का जो लेंथ है वो है 42 इंच, वाइड 5 इंच और ये दो पीस में है। एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक वाइड 5 इंच, लेंथ 42 इंच और ये ऑन फोल्ड पे है। अभी इस फैब्रिक के दोनों साइड पे ऑर्गेन्जा फैब्रिक का एक एक पीस को ऐड कर देनी है और इसके जो स्टिचेस लाइन बनेंगी दोनों साइड पे, उस पर मैं ये कॉटन लेस जो है हमारे पास, इसे स्टिचेस को कवर करके उसके ऊपर से अटैच कर देनी है। दोनों साइड पे लेस को इस तरीके से अटैच कर देनी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसके स्टिचिंग एंड लेस दोनों ऐड कर दी। सूट के बॉर्डर को बनाने के लिए वापस मैंने एक एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक ली है, साथ ही उसके सेम साइज का लेस और ये फ्रिल वाला लेस भी मैंने ली है और एक ऑर्गेन्जा फैब्रिक का टुकड़ा भी लिया है मैंने यहाँ पे। एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक का वाइड मैंने रखा है 2.5 इंच, ऑर्गेन्जा फैब्रिक वाइड 2 इंच। अभी ऑर्गेन्जा फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेनी है और उसे फ्रिल वाला जो लेस है हमारे पास उसके ऊपर इस तरीके से रख के इसकी स्टिच कर देनी है। अभी इसे एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक के ऊपर रख के इसे भी अटैच कर देनी है। इस तरीके से सूट का जो बॉर्डर है उसे मैंने कंप्लीट कर दी है और इसी तरीके से दो पार्ट फ्रंट एंड बैक का मैंने रेडी किया है। अब इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आर्म होल के लिए लिया है 5.5 इंच, चक के लिए लिए मैंने 18 इंच, वेस्ट 12 इंच, शोल्डर 7 इंच और यहाँ पे आर्म होल का शेप में ड्रॉ कर ले रही हूँ। चेस्ट में रख रही हूँ 9 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन, हिप 9 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन, वेस्ट राउंड 8 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन, दामन मैंने यहाँ रखा है 10 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन। अभी सारे लाइन को इस तरीके से स्केल के साथ कंप्लीट कर देनी है और इसकी कटिंग मैं कर ले रही हूँ। अभी जो चाक और हिप पार्ट है वहाँ पे मैंने एक नॉच डाल दी है। सूट का जो बैक पार्ट है उसे भी सेम एज इट इज़ कट करनी है, तो फ्रंट पार्ट को मैं इसके ऊपर रख के इसकी सेम कटिंग कर ली है। इसी साइज का मैंने इनर भी कट किया है। इनर के लिए मैंने बटर क्रेप फैब्रिक यूज़ किया है। सो अभी फ्रंट नेक लाइन कट करने के लिए एक इनर का पार्ट अलग किया मैंने, इसके ऊपर रखना है फ्रंट पार्ट और नेकलाइन की ड्राफ्टिंग कर लेनी है। सो नेकलाइन वाइड मैंने रखा है यहाँ पे 3 इंच, नेकलाइन लेंथ 12 इंच, नीचे के साइड पे जो वाइड है इसका वो है 1.5 इंच और इन दोनों निशान को इस तरीके से कंप्लीट कर देनी है। सो फ्रेंड्स, ये रहा फ्रंट पार्ट का नेकलाइन। अभी इनर के साथ आउटर फैब्रिक को नेकलाइन से अटैच कर देते हैं। सो फैब्रिक को बराबर यहाँ पे रख के इसके ऊपर से एक स्टिच कर देनी है। सो इसकी शोल्डर लाइन को स्टिच करते हैं बैक पार्ट के ऊपर। फ्रंट पार्ट को रख के इसके शोल्डर को मैंने स्टिच कर दी है। नेकलाइन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक ली है जिसमें फ्यूजिंग कर रखा है, लेंथ 31.5 इंच, वाइड 4 इंच। सो गाइस, इस फैब्रिक को यहाँ नेकलाइन के अंदर साइड पे रख के इसके ऊपर से एक स्टिच लगा देनी है।
स्टिचिंग के बाद स्मॉल नॉचेज नेकलाइन के चारों तरफ डाल देनी है। फिर स्ट्राइप को डबल फोल्ड करके स्टिचिंग लाइन को कवर करके वापस से एक स्टिच लगा देनी है। सो इसकी स्टिचिंग के बाद नीचे वाला जो पार्ट है उसे इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करके इसके ऊपर से स्टिच लगा देनी है। अभी नेकलाइन के चारों तरफ एक लेस को भी अटैच कर देनी है स्टिचिंग के ऊपर। तो यहाँ पे नेकलाइन को फिनिश कर दिया मैंने और इस पर मैंने पेंट भी कर रखा है। अभी इसकी सूट की साइड फिटिंग स्टिच करते हैं। तो यहाँ पे मैं बस्ट ले रही हूँ 17 इंच, हिप राउंड 17.5 इंच, वेस्ट 15 इंच। दोनों तरफ बराबर मार्जिन रख के ये सारी मार्किंग लेनी है और इस तरीके से साइड फिटिंग स्टिच के लिए मैंने लाइन को ड्रॉ कर दी है और इसके ऊपर से एक स्टिच भी लगा देनी है। सो गाइस, स्टिच के बाद नीचे वाला जो लाइनिंग है, लाइनिंग के बॉर्डर लाइन को भी मैंने स्टिच कर दी है। अभी सूट के दामन को स्टिच करते हैं। सो डबल फोल्ड करके लाइनिंग के साथ मैं इसकी दामन को भी फिनिश कर रही हूँ। चाक वाले पॉइंट को यहाँ पे ध्यान से अच्छे से कपड़े को बराबर रख के स्टिच कर लेनी है। इसी तरीके से दोनों दामन को कंप्लीट कर देना है। सो इस तरीके से मैंने सूट की दोनों स्लेट्स को कंप्लीट कर दी है। अभी इसके साइड वाले स्लीट के ऊपर लेस को भी लगाना है। तो लेस मैं इसके ओपन पार्ट तक ही लगा लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने लेस को भी अटैच कर दी है फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट पे। सो गाइस, अब स्लिप्स बनाते हैं। स्लिप्स के बॉटम को मैंने जैसे सूट का बॉटम रेडी किया है सेम एज इट इज़ रेडी करी है। और स्लिप्स का लेंथ है 16 इंच, आर्म होल के लिए 2.5 इंच, वाइड 9 इंच। आर्म होल का शेप इस तरीके से यहाँ पे स्लिप्स पे ड्रॉ कर लेनी है। स्लिप्स बॉटम राउंड 8.5 इंच प्लस 1/2 इंच मार्जिन और दोनों साइड वाले मार्किंग को इस तरीके से कंप्लीट करके स्लिप्स की कटिंग कर लेनी है। इसी तरीके से दूसरा स्लिप्स को भी रेडी करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्लिप्स को ऐड करने के लिए आर्म होल से स्लिप्स का जो आर्म होल है उसको मैच करके बराबर की मार्किंग मैंने कर दी है और स्लिप्स की साइड वाली सिलाई के लिए मैंने मार्किंग करके इसके ऊपर से एक स्टिच लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पे फिनिशिंग के लिए स्लिप्स के फ्रंट पार्ट को मैंने 1/2 इंच डिप किया है, सूट पे भी 1/2 इंच डिप कर रखा है मैंने। अभी स्लिप्स को ऐड करते हैं। तो इस तरीके से आर्म होल की साइड से स्लिप्स को लगा के इसके चारों तरफ से एक स्टिच लगा देनी है। अभी स्लिप्स का ये जो मार्जिन वाला पार्ट है उसे सूट के साइड पे अंदर के साइड पे फोल्ड करके इसके ऊपर से भी एक स्टिच लगा देनी है। दूसरे स्लिप्स को भी सेम एज इट इज़ मैंने ऐड कर दी है और ये रहा सूट का फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, सूट पे जो मैंने पेंटिंग कर रखा है और इसके साथ जो दुपट्टा मैंने पेयर किया है उसकी पेंटिंग वीडियो पहले से मैंने चैनल पे अपलोड कर रखी है। तो लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।